के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चुनाव की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली रैली हुई, आइए आप लोगों को मध्य प्रदेश की रैली में ले चलते हैं। आदिवासी, मैं देश के आदिवासी महामानव को प्रणाम करता हूं, रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूं, मैं रघुनाथ शाह जी को प्रणाम करता हूं, शंकर शाह जी को मैं प्रणाम करता हूं, टांटिया मामा को प्रणाम करता हूं, हम बादल भोई जी को प्रणाम करता हूं, भीमा नायक को प्रणाम करता हूं, खाजबा नायक को प्रणाम करता हूं। मैं छिंदवाड़ा से आता हूं, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहां मैं आपके क्षेत्र में आया हूं और कोटो भात और कुटकी की खीर भी हमारे यहाँ हम खाते हैं। तो ये हमारा जिला छिंदवाड़ा भी आपसे इससे संबंधित है, कोटो कुटकी की। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, कहां कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं। आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है, और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना, इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है, और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। ये आज आप सबके सामने चुनौती है। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान अपना हाथ हिला रहे हैं, आज का भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी का क्या हाल है, ये चुनाव तय करेगा इन नौजवानों के भविष्य को, ये चुनाव तय करेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी, जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर वन है। ये ऐसा प्रदेश है जहां हमारे किसान के आंसू शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं चलती, उनके कान नहीं चलते, पर उनका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अब तो 35 दिन बचे हैं शिवराज सिंह जी, यही जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पहचान लिया, आपकी कलाकारी को पहचान लिया, आपके झूठ को पहचान लिया, और यही जनता जो यहां बैठी और मध्य प्रदेश के मतदाता आपको विदा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 35 दिन बाद ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं, आप और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है, भ्रष्टाचार के गवाह बैठे हैं, भ्रष्टाचार के शिकार बैठे हैं यहां। ये सबसे भ्रष्ट प्रदेश, 50% पैसे दो काम लो, ये आज हालत है। आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़वा लो। सही बात है,
ये आज हालात है। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और आपसे मैं विनती करता हूँ, मध्य प्रदेश की तस्वीर रख लीजिएगा सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये आप सच्चाई का साथ देंगे तो शहडोल के तीनों सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।